मैं हूं ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे ड्रमस्टिक की सब्जी। ये बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो ड्रमस्टिक की सब्जी बनाने के लिए हमें लगेगा ड्रमस्टिक, जो कि मैंने कट कर लिया था। इनका ऊपर का लेयर हमें थोड़ा सा निकाल देना है और इसे इस टाइप में हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम्स ड्रमस्टिक लिए हैं, 3 मीडियम साइज टमाटो लिए जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर जो मैंने फाइनली चॉप किया है, ग्रीन चिलीज, तो आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून हमें कोरिएंडर पाउडर, ऑयल और थोड़ा सा पानी लगेगा। तो यहाँ लिया है मैंने प्रेशर कुकर, इसमें हम डाल देंगे ये ड्रमस्टिक्स। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, तो इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा यूज कर, तो बाद में भी हम नमक डालेंगे। और अब हम कुकर को ढक्कन लगा देंगे और कुकर को रख देंगे हम गैस पे। हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसे हमें एक वेसल आने तक बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स, याद रखें, हमें ड्रम स्टिक को जो है ओनली एक वेसल तक आने तक ही बॉईल करना है। तो यहाँ एक वेसल जो है वो हो चुकी है, हम गैस को ऑफ कर लेंगे और कुकर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा कुकर जो है वो ठंडा हो रहा है, हम बनाएंगे सब्जी। तो यहाँ रखिए मैंने एक कढ़ाई, हम गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई जो है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली जो कि मैंने फाइनली चॉप कर ली थी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो जो कि मैंने रफली चॉप किए थे। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर का यूज़ किया है। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। तो नमक हमने पहले भी बॉईल करते टाइम डाला था, तो आप थोड़ा सा नमक ही यहाँ पे डालिए और मिक्स कर लेंगे इन सबको हम अच्छे से। और यहाँ हम फ्लेम को कर लेंगे लो टू मीडियम और इसे हम 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसे कुक होने देंगे, ताकि हमारा टमाटो जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसे हम बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे टमाटो जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसे हमें और 1 से 2 मिनट तक पकाना है, ताकि हमारे टमाटो जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसे लीड से कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे, ताकि हमारी सब्जी जो है अच्छे से ऑयल रिलीज करने लगे। 1 से 2 मिनट बाद हम लीड को हटाएंगे और आप देख सकते हो ये अच्छे से ऑयल रिलीज हुआ है हमारी सब्जी में से। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल की हुई ड्रम्स। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे
तो आपको इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, वरना आपकी ड्रम स्टिक जो है वो टूट जाएगी। और अब हम इसे लीड से कवर करके 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। ये 1 से 2 मिनट बाद हम लीड को हटाएंगे और हमारी ड्रम स्टिक जो है यह हम बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे एक सर्विंग बाउल में। तो फ्रेंड्स लीजिए, रेडी है हमारी ड्रम स्टिक्स की सब्जी। ये बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनती है और आप इसे रोटी पराठों के साथ आप सर्व कीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनती है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी इनेबल कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।